हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माविसा में। आज मैं आपको एक नए तरीके की सब्जी बता रही हूँ। ये कलकत्ता की बहुत ही प्रसिद्ध डिश है, बहुत ही फेमस सब्जी है। इसको कलकत्ता में पोस्तो बोलते हैं, पोस्तो। इसको कलकत्ता में पोस्तो बोलते हैं और हिंदी में खसखस बोलते हैं और इंग्लिश में पॉपी सीड बोलते हैं। दोस्तों, इसकी चटनी कलकत्ता में बनाते हैं पीस के लाल मिर्ची लहसुन से, और इसकी सब्जी भी बनती है। कोई भी बहुत कठिन रेसिपी नहीं है। आज चलिए हम आपको दिखाते हैं इसकी सब्जी हम कैसे बनाते हैं। मुझे बहुत पसंद है इसकी सब्जी, मैं अक्सर बनाते रहती हूँ। मैं ये पॉपी सीड कलकत्ता से ही मंगवाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको मैं पीस लूँगी खड़ी लाल मिर्ची के साथ। ये मैंने ले लिया, आलू मैंने छील के रख लिए हैं, और ये मैंने इतने मात्रा में ले लिया है सब्जी के लिए, ये काफ़ी हो गया। दोस्तों, ये खसखस को मैंने धोकर ये मैं सील में पीस ले रहा हूँ। तो ऐसे हम सील में इसको पीस लेंगे। तो आइए, पीसने के बाद देखते हैं। तो दोस्तों, इस शेप में हमने ये आलू काट लिए हैं और ये खसखस को हमने ऐसे पीस लिया है। आइए सब्जी बना लेते हैं। ये मैं डालूंगा ये रिफाइंड ऑयल, तेल आप अपने हिसाब से डालें। खसखस में वैसे मैं बताऊं तेल कम लगता है खसखस का सब्जी, क्योंकि तेल बनने के बाद छोड़ देता है। तो अब तेल गरम कर लेंगे। तो ये मेरा तेल गरम हो गया है। इसमें हमें नॉर्मल सब्जियों जैसे ड्राई जीरा मेथी किसी का भी फ़ौरन नहीं देना है। खसखस की सब्जी प्लेन बनती है। तो तेल गर्म हो जाने के बाद हम ये अपने कटे हुए धुले हुए आलू इसमें, we'll be right back।
उसमें मसाले डालेंगे, प्याज लहसुन अदरक कुछ भी डालेंगे तो आपको इतना अच्छा वाला स्वाद नहीं आएगा, खसखस का भी स्वाद आपको नहीं आएगा। तो अभी यह बॉईल हो रहा है, बॉईल होते होते ही आलू पकेगा, तो आइए इसको ढककर पका लेते हैं। मैं यहाँ पे कर दूंगा फ्लेम को लो, लो फ्लेम में इसको पका लेना है। तो दोस्तों ये मैंने ढक के पकाने की सब्जी रख दी थी, आइए 10 मिनट बाद देखते हैं। तो ये आलू हमारे पक गए हैं।